किसी शॉपर में डाल लें यार। इतने हैरान परेशान हुए बैठे मैं फंसा। माशाल्लाह बड़ी प्यारी शर्ट है ये तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी तकरीबन 9 बज चुके हैं और अभी अभी खबर आई है कि ईद का चांद नज़र आ गया है माशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको चांद रात मुबारक और ईद मुबारक। इधर किरण बैठी है, किरण यहाँ पे बैठ के मेहंदी लगवा रही है। जो ही इसने सुना है कि ईद का चांद नज़र आ गया है, सहर जो है ना मेहंदी उठा के आ गई है और किरण ने आगे हाथ कर दिया भाई मेहंदी लगाओ। पहला काम तो यही होता है ना। सहर भी अपनी यहाँ पे सारी कारीगरी दिखा रही है, इसने अम्मा के हाथ पे मेहंदी लगा के ना मेहंदी लगाना सीख लिया। तुम परेशान थे ना कि तुम्हें मेहंदी कौन लगाएगा, तो देखो सहर मेहंदी लेके आ गई है। आपने बताया ही नहीं क्या यही की सहर लगा लेती है। हाँ हाँ लगा लेती है, अम्मा के हाथ में सीख लिया था इसने। मैंने नहीं कहना था क्या व्यूअर्स को, मैंने कहा ही नहीं चांद रात मुबारक। हाँ और तुम्हें भी मैंने नहीं कहा चांद रात मुबारक और साल को भी चांद रात मुबारक और ईद मुबारक। बड़ी जल्दी याद आ गया। तो चलें भाई आज चांद रात सेलिब्रेट करते हैं, जो तैयारियां हैं वो करते हैं, अपने कपड़े वगैरह निकालते हैं। लड़कियों और औरतों ने मेहंदी लगानी है वो मेहंदी लगाएंगे और हम कपड़े इस्त्री करके देख के सो जाएंगे कि सुबह ये वाले कपड़े पहने, जूते शूते साफ करते हैं। तो चलें भाई। भाई कल के व्लॉग में आपने देखा था जिसमें हम सिटी गए हुए थे बाजी आसिया की तरफ, उनको भी ईदी दी थी, उनकी बेटियों को मतलब मेरी भांजियों को उनको भी ईदी दी थी, लेकिन सहर जो है रह गई थी। हम सहर को कैसे भूल सकते हैं। सहर के लिए हमने सरप्राइज रखा हुआ था कि ईद से एक दिन पहले ईदी देंगे, लेकिन शाम तक हमें कन्फर्म नहीं था कि सुबह ईद होगी या नहीं होगी, लेकिन अभी माशाल्लाह कन्फर्म हो गया तो सहर को भी ईद दे के ही भेजेंगे। अभी सहर इधर ही आई हुई है, पहले मेहंदी लगा ले उसके बाद सहर को फिर ईदी देते हैं। लग गई है मेहंदी तुम्हारी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी मेहंदी लगाई है सहर ने तो। बिल्कुल अच्छा डिजाइन बनाया। हाँ, सिंपल सी लगाई है लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। तो उसे ईद नहीं दी साथ? मैंने कहा उधर ही जाके दे आते हैं, सबसे मिल आते हैं, हम तो अंदर ही बैठे रहे हमें पता ही नहीं चला ईद का, तो इधर ही दे देते। उधर ही जाते हैं ना, सबसे मिलते भी हैं, मतलब चांद रात मुबारक है और जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये भी अच्छा है, चलो उठा लो। उठाओ ना, मैं कैसे उठाऊं? अब ये सही बहाना है, मुझे पहले कह रहे हैं कि कपड़े भी खुद ही इस्त्री कर लो, मैंने भी लगवा लिए। ये मेहंदी नहीं, ये ना अर्क है तो ना इसका ना वो आपके वाइट कपड़े है मतलब। अच्छा तो उसके साथ लगेगा, तो मैं अच्छी तरह तो मेरे हाथ धुलवाऊंगा उसके बाद कपड़े धोने के बाद भी ये उतरता होता। मैं कहती मेरे भी कर दो अपने भी कर दो। सही और है, चाय भी बना। ये सही बहाना है, चाय भी बना लो। पहले तो भाई सहर को ईद देते हैं ना, लेट ना हो जाए, ताकि वो डिसाइड करेंगे उन्होंने क्या ड्रेसिंग करनी है। उठाओ ना इसे, ये भी और ये भी उठाओ। ये दो डब्बे हैं सहर के, किसी शॉपर में डाल लें यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। चलें जी, ये एक बैग हमें मिल गया है, इसमें ये सारी चीज़ें डाल लेते हैं। सारी चीज़ें क्या, दो डब्बे ही हैं, ये खोलना। मैंने ना मैचिंग करके ली थी ना, जो हमने ड्रेस दिया था ना सहर को, वो येलो कलर का था, तो मैंने गोल्डन गोल्डन मैच किया उसके साथ। यहाँ पे भाई देखें सब लोग जी तो पाकिस्तान देख रहे हैं बैठ के, और इतने हैरान परेशान हुए बैठे मैं फंसा। पांच मरले का फ्लैट निकला। चले भाई ये मैट फंसा हुआ है 10 तोला और इधर 1 तोला, इसके दरमियान में देखते हैं भाई क्या निकलता है। इनका डब्बा खोलने जा रहे हैं ये। हम ईदी देने आए कहते हैं पहले ये देख रहे, तो बाद की बातें बाद में। ईदी को छोड़ा हमें पता है हमें ईदी में क्या देना है। देगा देगा आज ईद है देगा। ओ 1 तोला निकले। इनकी किस्मत में 10 तोला सोना नहीं आया। लो जी तस्मी तो सारे बहा दिता है। मुबारक खैर मुबारक भी हमें भी खैर मुबारक।
तो किरण ने काफी दिनों से ईद सहार के लिए लेके रखी हुई थी, तो वो आज हम फिर देने जा रहे हैं। मैंने ना ये मैचिंग की हुई थी, वो सहार को सूट लेके दिया था ना एक पीले रंग का, उसके साथ मैंने ना मैचिंग करके मैंने जूता लिया। ने करनी नेकी तो पूछते ये खड़ी चीज दी। हां मैंने उसके साथ मैचिंग जूता लिया, फिर साथ वो ज्वेलरी वगैरह जो होती है ना बच्चियों, हमने पैक की हुई है, आप खुद ही देख लें खोल के, सरप्राइज है ना। चलो माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत खुशी हुई, आपका भी शुक्रिया। चले भाई, ये भी हमारे पास अमानत पड़ी थी, हवाले कर दी। चल भाई अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, रात को सुकून से नींद आ जाएगी। किरण ने तो इतने सारे ड्रेसेस यहाँ निकाल के रख लिए, ये ड्रेसेस आप कहाँ से आ गए इतने सारे? आपको पता ही है, ये देखिए आपकी तरफ से। एक सूट पे बाल टिकी थी और 3-4 सूट हो गए, क्या बात है, क्या बात है। ये आपकी तरफ से हो गया? हाँ, ये मम्मा पापा की तरफ से हो गया, और ये गिफ्ट मिला था। अच्छा, 3 सूट हो गए, अब डिसाइड नहीं हो रहा कौन सा सूट पहनना है। कौन सा पहनूं, मतलब मम्मा ने कहा था कि मतलब तुम दोनों ने हमारा सूट पहनना है, तो आपका सूट जो है वो बना नहीं। हाँ, मेरा तो सिलाई हुआ नहीं, सिलाई नहीं हुआ। हाँ, अब मैं सोच रही हूँ ये जब उनकी तरफ जाना है ना तब पहनूं। अच्छा, 3 दिन ईद के हैं, 3 सूट तुम्हारे हो गए यहाँ पे। मेरा तो ये सूट है, ये देखो। हाँ, तो फिर ये पहन लो साथ, ये अम्मा जी वाला सूट हो गया, ये उसके साथ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, बल्कि काफी हद तक मैच कर रहा है। ये मेरा तो एक ही सूट है, पर मेरे पास तो चॉइस है ही कोई ना। और किरण के पास 3 सूट की चॉइसेस हैं, 3-3 सूट है इसके पास। देखो अल्लाह अल्लाह सुनने वाला है ना, मैंने कहा था मैं ईद के लिए 3 ड्रेसेस बनाने। हाँ, 3 बन गया तुम्हारे। हम फिर कल के लिए ये कर लेते हैं। और चूड़ियाँ तुम्हारी मैच हो रही हैं इसके साथ कोई या नहीं? जो तुम्हें चूड़ियाँ ईद पे मिली थी वो तो इसके साथ मैच कर रही हैं। तो ये वाला जो ड्रेस है इसके साथ, यहाँ से फिर चूड़ियाँ देख लो अपनी। देखो मैं चूड़ियाँ कौन से इसके साथ, तो ये तो पूरा सेट था ना। ये वाला ड्रेस खोल के दिखाओ ना, ये वाला ड्रेस जो है ना सबसे अलग ही लग रहा है मुझे। माशाल्लाह बड़ी प्यारी शर्ट है ये तो, चांद सितारे लगे हुए हैं ना, ये भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। वैसे ये भी, और ये भी मैच हो गया, दुपट्टा मैच हो गया, ये देखो आपके ड्रेस के साथ। हाँ बिल्कुल मैच हो रहा है ये तो। हाँ ये भी है, पता है क्या, इसके साथ भी कोई ना शूज वगैरह मैच हो जाएंगे। हाँ हाँ देख लो भाई, इसके साथ भी ना, इसके साथ भी मतलब वो पूरा सेट बनाऊंगा। इसके साथ मैं जूते कौन से पहनूंगी, चूड़ियां कौन सी पहनूंगी? चूड़ियां इसके साथ तुम्हारी वो लग जाएंगी सिल्वर कलर की, ये भी मैच हो जाएंगी। ये तो ज्यादा मैच हो रही है ये वाली। भाई हमारी पहली इकट्ठे ईद होने जा रही है ना, जब शादी हुई थी हम एक ईद आई थी, लेकिन वो तो अफरा तफरी में गुजर गई। मतलब 2-3 दिन पहले हमारी शादी थी, 2-3 दिन बाद ईद आ गई, फिर हमने कोई खास तैयारियां नहीं की और कोई इतनी एक्साइटमेंट ही नहीं थी, बस शादी की एक्साइटमेंट थी। आई थिंक हमारा पहला व्लॉग था वो भी शायद ईद का था। मैं तो भूल गया हूँ सच में, जब से तुम आई हो ना मैं कपड़े इस्त्री करना सच में ही भूल गया हूँ, मुझे जरा भी कपड़े इस्त्री करना नहीं याद। दोबारा से याद करो ना ये वाला पहना। चलो ये वाला हो गया, मैचिंग वगैरह वो मैं कल दिखाऊंगी, इसके साथ चूड़ियां वगैरह जो शूज वगैरह क्या मैच होते हैं ना वो कल बताऊंगी। चलें भाई फिर कपड़े इस्त्री करना स्टार्ट करते हैं, तुम अपने करो और मेरे भी तुम करो। मैं चाय बनाता हूँ। खोलो इसको, इसके साथ मैं वेस्टकोट पहनूंगा, मेरे पास एक डार्क ब्लू कलर की है, ये इसके साथ जचेगी। और जो शूज है वो भी ब्लू ही सही रहेंगे। हाँ मेरे पास ब्लू शूज भी है, कल ही पहन के मैं गया था कहीं पे। ये ब्लू शूज है, इसको भाई पॉलिश वगैरह कर देना, मट्टी वगैरह इसके ऊपर चढ़ी पड़ी है। और ये मेरा रहा ड्रेस, तो मैचिंग भाई बड़ी मजे की बनेगी मेरी, तो शशके बन जाने मेरे। वो तो पता चल ही जाएगा मेरे साथ रह रहे कि कुछ तो असर होना था, आप पे भी खूबसूरती थोड़ी बहुत थी, आप पे भी आनी थी मेरे साथ रह रहे। चलो शुक्र है कुछ तो आ गया। और ये इसके साथ ट्राउजर है कि सलवार है? ये वो पका हुआ है ना हमारा अपना ट्राउजर, कहते सलवार होगी, सलवार कमीज है ना। किरण मान गई, किरण मान गई, खुद ही कपड़े इस्त्री कर रही है। नहीं नहीं मैं करने लगा था, मैंने दिल से कहा था, तुम्हारा दिल है तो कर लो यार, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें उठा के देता हूँ।
इसको चार पाए पे यार मट्टी शट्टी होगी तो थोड़ा संभाल के रखना इसको, मट्टी शट्टी ना लगे इसके साथ। हाँ मैं बाकी तुम्हें ड्रेसेस उठा के देता हूँ, थक जाओगी। उठा के देने से सारा काम तो हो जाएगा। मैं चाय बनानी है ना साथ में। चल आपकी देख के सारे कहते मासूम है। टिकी रहे। हाँ ऐसा गलत फहमी हुई लोगों को के भाई सदाकत तो बहुत मासूम है, चलाक भी मिली है इसे। भाई आज चांद रात है, खुशी की रात है, ऐसी वैसी बातें नहीं करते। वाह जी वाह, मेहंदी तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। और इधर किरण के सूट के साथ एक मसला है, ये जो ऊपर कढ़ाई की हुई है ना, उन्होंने नीचे कागज़ रख के ना फिर कढ़ाई की है, तो इसको हमने धोया नहीं था, धो लेना चाहिए था। चलो नहीं धोया तो फिर इसको उतारो ऐसे रगड़ रगड़ के। मैंने ध्यान ही नहीं दिया ना, तो ऐसे सूट मैंने ऊपर ऊपर से देखा, अंदर खोल के देखा ही। तो ये जो है ना कागज़ बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हम अब मिल के जो है ना ये कागज़ यहाँ से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो भाई माशाल्लाह कपड़ा इस्त्री हो चुके हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये सामने देखें, यहाँ पे मैंने लटका खड़े किए हुए हैं, टेढ़े भी नहीं होंगे यहाँ पे। और भाई ये जो ब्लू मेरा वेस्ट कोट है, इसको भी थोड़ा सा हल्का हल्का इस्त्री करना पड़ेगा, क्योंकि किरण ने इसको पिछले दिनों धोया था और उसके बाद इसको सही मतलब प्लेन नहीं किया इस्त्री के साथ। लग तो प्लेन ही रही है, ये देखें कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना हल्की हल्की आँच पर गर्म करके ना इस्त्री, इसके ऊपर इस्त्री फेर देना। वादे के मुताबिक मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बस खड़ी होना है।